नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में मंत्रियों के कोटे में फेरबदल कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बता दिया कि बिहार के महागठबंधन सरकार के असली बॉस वो खुद हैं। मेरे साथ इसके ऊपर बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता जयंत जिज्ञासु हैं, इनसे बात करेंगे। जयंत जी, नीतीश कुमार ने फिर से बता दिया कि बिहार की महागठबंधन सरकार के असली बॉस सुपर पावर नीतीश कुमार के पास ही है। नहीं, देखिए, संसदीय लोकतंत्र में तो हमेशा से, चाहे चीफ मिनिस्टर हो कि प्राइम मिनिस्टर हो, उनके बारे में व्यवस्था है, कहा जाता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो सब बराबर होते हैं, उनमें प्रथम होते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, और उसमें कोई नई बात नहीं है। ये एक सामान्य फेरबदल है और बहुत ही स्वाभाविक है कि जो लोग भी किसी महकमे को संभालते हैं, अगर कोई और महकमा उनको दिया जाता है तो उनके अनुभव में और विस्तार ही आता है उससे। आप देखते नहीं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में एक ही कमेटी में लोग नहीं मेंबर रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी वो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, कभी एनर्जी से जुड़े हुए जो जुड़ी हुई समिति है उसके, तो ये बहुत सामान्य है। जी नहीं, देखिए क्या है कि बिहार में महागठबंधन के अंदर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनकी कुछ भी सुनी नहीं जा रही है। जो आपने देखा कि जो पिछले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर थे, के पाठक से ठन गए और फिर भुगतना पड़ा उन्हें, शिक्षा मंत्रालय उनसे छीन लिया गया। ये जो पूरा नैरेटिव मैं पिछले 6-7 महीने से देख रहा हूँ, मुझे इस पर ही आपत्ति है। डेमोक्रेसी में जो भी 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संवादपालिका, हर कोई उसकी जड़ को मजबूत करने में लगी हुई रहती है और सबकी हदें पहले से ही तय की हुई हैं। कोई भी किसी के की सीमा में जाकर हस्तक्षेप नहीं करती है और एक समन्वय के साथ काम करती है। तो विधायिका का काम है व्यवस्थापिका का लेजिस्लेशन, कानून बनाना, कैबिनेट में कोई निर्णय हुआ, अब उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो कार्यपालिका का काम है। तो ये किसी अफसर के बारे में कि भाई वो जो है उनके चलते कुछ परिवर्तन हो, ये तो हास्यास्पद है, ये बहुत बेसिर पैर की बातें हैं। और लोकतंत्र में कोई पाठक जो ठन गई थी चंद्रशेखर की, नहीं जयंत जी ये बताइए, एसीएस के पाठक से जो ठन गई थी, आपके कोटे के मंत्री थे चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री थे, क्या भुगतना पड़ा उन्हें? के पाठक की जीत हुई इसमें? आप बताइए, आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं और आप इतने लंबे समय से एक से बढ़ के एक नेता का साक्षात्कार करते हैं, सूबे से लेकर केंद्र के स्तर के लोगों से, आपको लगता है कि ये वाजिब सवाल है? क्या होते हैं के पाठक? अरे के पाठक जैसे बहुत सारे ऑफिसर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लोग जहां ठीक काम होता है प्रशंसा भी करते हैं। ऑफिसर वगैरह कभी भी डेमोक्रेसी में ताकतवर इतना नहीं हो जाएगा कि वो मंत्री पर हावी हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं होगा। दोनों समन्वय के साथ काम करते हैं। अरे किसी भी, अब बताइए, कैबिनेट सेक्रेटरी अगर प्रधानमंत्री पर हावी हो जाए, अभी अभी जो बिहार के मुख्य सचिव हैं वो मुख्यमंत्री पर हावी हो जाए, ये खबर आपको लगता है कि बिहार की जनता इसको या देश की जनता पसंद करेगी? नहीं, आप हो ही नहीं सकते। आप ये मान रहे हैं ना कि अधिकारी अगर हावी होते हैं तो दिक्कत तो हो ही नहीं सकते। ये हास्यास्पद है। किसी भी अधिकारी की ये उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी मंत्री पर हावी हो जाए। इस देश की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है। हाँ, कुछ मामले में वो सलाह जरूर दे सकते हैं मंत्री को, ऐसा शायद अगर किया जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन आखिरकार निर्णय तो मंत्रिमंडल का होता है, कैबिनेट का होता है, सामूहिक निर्णय होता है, और किसी विभाग का उसके मंत्री वो कोई निर्देश देते हैं। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है, ऐसा कुछ नहीं। और जो लोग भी नए नए नई जिम्मेदारी जिनको भी मिली है, मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और गन्ना उद्योग को आप ऐसा ना समझें, उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और तेजस्वी जी ने 2020 की सभा में कहा था कि रीगा का जो शुगर मिल है उसको हम चालू कराएंगे, सरकार ने उस पर निर्णय ले लिया, वो चालू,
होगा। तो बहुत गन्ना किसानों को राहत देने की आवश्यकता है जो सरकार दे रही है, तो वो भी अच्छा महकमा है। और आलोक मेहता जी जो रेवेन्यू में थे और रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स में कितना काम किया उसमें उन्होंने, तो बताइए ना, सबको डिजिटाइज करने की कोशिश की गई, भूमिहीन लोगों को बने तेजस्वी जी ने जो पहले वादा किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस सबको मैंने घर बनाने के लिए कुछ डिसमिल जमीन देने की बात हुई। और अभी वो मंत्रालय जो है माननीय ललित कुमार जी के पास गया है और ललित जी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में पीएचडी में इतना सुंदर काम किया है, तो दो महकमे अब उनके पास है, वो और अच्छा करेंगे। और शिक्षा मंत्रालय का जहां तक बात है सौरभ जी, तो आलोक मेहता जी कोई आज के नहीं, लोग ये ना समझे कि वो कोई 62 में एमएलए बने और लोहिया के करीबी तुलसीदास मेहता जी के सुपुत्र हैं इसलिए राजनीति में यहाँ तक है। बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की थी उन्होंने, और जो जनता दल था उसके यूथ विंग के वो सचिव होते थे बिहार में, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते फिर राष्ट्रीय जनता दल जब बना तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में रहे और उसके यूथ विंग में लंबे समय तक वो बिहार में सचिव रहे, फिर महासचिव रहे, फिर राष्ट्रीय सचिव रहे 2002 से 3 के बीच में, एक बार 2000 में चुनाव भी लड़ा विधानसभा का, हार गए थे, और फिर राष्ट्रीय महासचिव हुए युवा राष्ट्रीय जनता दल का। और लगभग 11 साल तक वो जब एमपी बने 2004 में राष्ट्रीय जनता दल से, जब हमारी सरकार थी केंद्र में यूपीए में, तो वो युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 साल तक रहे, 2005 से 16 तक। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अमूमन एक कोर्ट होता है, उसमें कुछ वरिष्ठ लोग, कुछ नेता, कुछ शिक्षाविद उसके मेंबर होते हैं। तो यूपीए 1 की सरकार के दौरान आलोक मेहता जी जेएनयू कोर्ट के भी मेंबर थे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस नई भूमिका में और ज्यादा बेहतर काम करके बिहार की जनता की सेवा करेंगे। और इतना ही नहीं, कुछ बातें चूंकि आप बात कर रहे हैं इसलिए मैं बिहार की जनता को भी बताना चाहता हूं कि उनके नए शिक्षा मंत्री की के क्या अनुभव है और क्या काबिलियत है, क्योंकि वो बहुत सेल्फ इफेसिंग ढंग की बात उनके पर्सनैलिटी में है, अपने बारे में कुछ बताने में वो झिझकते हैं। तो आप जानिए कि पिछली सरकार में महागठबंधन में तो वो थे ही कोऑपरेटिव मिनिस्टर, लेकिन इसके अलावे उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, वेनेजुएला की यात्रा की और लग्जमबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी युवा सम्मेलन में उन्होंने शिरकत किया। सांसद के रूप में 6 देशों का जो विभिन्न फोरम के माध्यम से दौरा होता है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में 2009 में दौरा किया। हर देश के कुछ पार्लियामेंटेरियन को बुलाया जाता है। फिर युवा संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय, उसके विश्व सम्मेलन में हिस्सेदारी के लिए 7 देशों का दौरा उन्होंने 2009 में भी किया और बाद में भी। पाकिस्तान में जो सेफमा है, साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन, उसके तत्वाधान में एक ऐसे ही पार्लियामेंट होता था, उसमें भी लोकसभा के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सोमनाथ चटर्जी साहब, उनके नेतृत्व में 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल का भी वो हिस्सा थे। फिर गुडविल ट्रिप जो है उसमें जापान और हांगकांग की यात्रा की, स्काउट भी रहे हैं और राष्ट्रपति मेडल भी उनको मिला। और इस तरह से लोकसभा टीवी जो था उसके 125 पैनल डिस्कशन में बहुत नफीस व्यक्तित्व है उनका, उस तरह से उन्होंने शिरकत भी की। एक लंबा अनुभव है। लालू यादव और राबड़ी देवी, आपने दोनों के कार्यकाल को देखा और फिर नीतीश कुमार को भी आप देख रहे हैं, ये दोनों के जो शासन है, नीतीश कुमार और लालू यादव राबड़ी देवी का टर्म, ये दोनों में से क्या आपको नहीं लगता कि अधिकारियों का जो काम करने का तरीका है दोनों में कोई डिफरेंसेस देखने को मिलती है? लालू यादव राबड़ी देवी के समय में नेताओं का बोलबाला रहता था, नेता हावी रहते थे, लेकिन आज के समय में आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार के शासन में सेक्रेटरी, डीएमएसपी, इन लोगों का अच्छा खासा प्रभाव रहता है क्षेत्र में और नेताओं के ऊपर भी? देखिए, सबके कामकाज करने की अपनी शैली होती है। लालू प्रसाद जी के समय में इसमें कोई दो मत नहीं कि 7 विश्वविद्यालय खुले, सबसे ज्यादा प्राइमरी स्कूल बने, साक्षरता दर बढ़ा, देश का भी साक्षरता दर उस गति से नहीं बढ़ा था जिस गति से इन दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में। राबड़ी जी के समय में ही अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए हर कमिश्नरी में विद्यालय खुले, आवासीय विद्यालय। लेकिन आपको ध्यान होगा नीतीश जी के नेतृत्व में भी जो सरकार चल रही थी पिछली बार 15 से 17,
उसमें भी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय जो था वो तेजस्वी जी के पास था, अभी अनीता चौधरी जी के पास। उस समय भी वो जाते थे तो देखते थे कि स्कूल में उन विद्यालयों में जो कमजोर वर्ग की लड़कियां पढ़ती हैं उसमें ठीक से भोजन मिल रहा है कि नहीं, अद्यतन पुस्तकें आई कि नहीं। और अभी हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हर पंचायत में एक पुस्तकालय खुले जिसमें निःशुल्क पत्र पत्रिकाएं किताबें भी हों, हम लोग पढ़ने लिखने की तहजीब से जुड़े रहें। तो वो काम करने की शैली का फर्क है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय लालू जी भी ब्यूरोक्रेट के साथ एक निर्देश तो देते थे और काम भी होता था, और डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि जनप्रतिनिधि सर्वोपरि दिखाई पड़े। लेकिन अगर कोई अच्छा सुझाव ब्यूरोक्रेट की तरफ से भी आए तो उसको भी अमल में लाया जाए। इससे होता यह है कि अंततः जनता का कल्याण होता है, और लोक कल्याणकारी राज्य में समन्वय से ही कोई चीज चले तो एक लार्जर इंटरेस्ट सर्व हो पाता है। और इस सरकार में भी आप देख रहे हैं ना तेजस्वी जी, अभी मान लीजिए नगर विकास मंत्रालय है तो कचरा डंप करने का एक हम वो करेंगे ताकि शहर में एक एक, एक स्वच्छता अभियान जो है जो लालू जी चलाते थे सबसे पहले मलिन बस्तियों में जाके साफ सफाई करवाना, ये तो बच्चों में भी उस बात का ये रहे। चीजन दर बहुत घटा था लालू जी के समय में, ड्रॉप आउट स्कूली बच्चों का, अभी और बेहतर हो गया है। तो हर कमिश्नरी में जो है बजट बढ़ाया गया, हर कमिश्नरी ने हर जिले में आवासीय विद्यालय खोलेंगे लड़कियों के लिए ओबीसी बीसी के लिए। तो शिक्षा बजट भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है लालू जी के समय में। नीतीश कुमार एक पार्टनर के तौर पे बेहतरीन ढंग से तवज्जो देकर के सम्मान देकर के आप लोग को साथ लेकर के चल रहे हैं, या फिर बस आप लोग छोटे भाई की भूमिका में ही लालू जी नीतीश जी के साथ हैं? हम हमारे नेता मोहतरम लालू जी जी स्वाभाविक रूप से नीतीश जी भी उनको कहते हैं कि नहीं आप वरिष्ठ हैं, लेकिन कभी भी लालू जी बिग ब्रदर एटीट्यूड के साथ कभी काम नहीं करते। गठबंधन धर्म का उनसे ज्यादा सुंदर तरीके से निर्वहन इस देश में बहुत कम नेता है जो करते हैं। वो सोनिया जी भी मानती है कि हमारा सबसे भरोसेमंद विश्वस्त सहयोगी मन उनकी पार्टी में टूट हो गई, लोग उनके विदेशी मूल का उद्धव उठाते थे, उस समय भी लालू जी ने उनके पक्ष में जो सॉलिडेरिटी और उनके पक्ष में जो तन के खड़े हुए और भारत की तहजीब के अनुरूप, वो एक मिसाल है। और हमारी सरकार बहुत सुंदर समन्वय के साथ काम कर रही है, नीतीश जी का नेतृत्व है, संकल्प तेजस्वी जी का है। दुनिया जानती है कि हम लोगों ने जो जो वायदा किया था उसको एक एक करके पूरा कर रहे हैं, चाहे 4,40,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी देने का मामला हो, चाहे अभी 70 दिन के अंदर 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली का मामला हो, विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाने का मामला हो, या फिर हर साल रेगुलर बहाली करने का ऐलान सरकार का हो। आप जान रहे हैं बीपीएससी के जरिए तो सबसे पहले लालू जी ने ही बहाली की थी 1994 में, फिर से एक बार हुआ है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को इसलिए सुनिश्चित किया गया है क्योंकि गरीब गुरबों के बच्चे चाहे किसी जाति धर्म के हों वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ना अफोर्ड कर सकते हैं, और वहां से पढ़ के एक से बढ़ के एक लोग निकले हैं। सरकार का सारा फोकस है कि सरकारी स्कूलों की तरफ कैसे बच्चों को हम आकृष्ट कर सकें। आपको ध्यान होगा लालू जी हर रोज जाने पर मुसहर डोम और इस तरह के कमजोर सामाजिक समूह के बच्चों को 1 रुपया प्रतिदिन देते थे प्रोत्साहन के स्वरूप कि बच्चे उस वजह से भी थोड़ा आ सके। तो हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं, और ये कैबिनेट में महकमे में ये जो फेरबदल होता है ये बहुत सामान्य, आप देखते ना मोदी जी कितना कभी इस मंत्री को वहां पहुंचा देते हैं, कभी उसको यहाँ, और मोदी जी क्या हर प्रधानमंत्री हर मुख्यमंत्री के समय में ये विभाग में परिवर्तन होता रहता है। हम इसको बहुत सकारात्मक ढंग से ही देखते हैं, और हमें हर मंत्री की एफिशिएंसी पर उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, और वो बिहार को बेहतर परिणाम देंगे। और एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि कोई भी ब्यूरोक्रेट डेमोक्रेसी में इतना ताकतवर आज तक नहीं हुआ है कि वो किसी पर हावी हो जाए, और ये मीडिया वालों को भी ये समझना चाहिए। मीडिया तो खुदे एक मजबूत स्तंभ है, अब वो अगर ये कहे कि दूसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ पर चढ़ गया और हावी हो गया और कोई ह्यूमिलिएट हो गया, तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अगंभीर किस्म की पत्रकारिता का उदाहरण होगा। तो हमारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है।
इतनी बढ़िया सरकार इतिहास में कम ही चला कर चली है, गठबंधन की सरकार। अब देखते हैं, कोई तरह तरह की बातें होती रहती हैं। तेजस्वी जी का लक्ष्य बहुत साफ है कि हम कमजोर लोगों को कितनी अधिक से अधिक सुविधाएं मुहैया करा सकें और गरीब लोगों को कितना रोजगार यहां पर हम दे सकें। सरकारी नौकरी तो दे ही रहे हैं उसकी, लेकिन अपनी सीमा है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि न्यू आईटी एक्ट जो बनाया गया है अभी 2024, कि 1000 लोगों को अगर कोई कंपनी नौकरी देगी तो हम उसको और सुविधाएं प्रदान करेंगे, सब्सिडी से लेके और उनके ठिकाने की जो भी उनका आवासीय प्रबंध से लेकर और जगह देने का हर चीज में। तो एक विजनरी लीडर इस बिहार के सामने है और 8 साल से उसकी सेवा कर रहे हैं और श्री बाबू से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो दोनों के बीच बड़ा ही मणिकांचन योग है और ये बिहार के हित में यह सरकार काम कर रही है। हम ललित जी को भी बहुत एक नई जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हैं, आलोक कुमार मेहता जी को भी बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और जो मंत्रालय में फेरबदल हुआ है चंद्रशेखर जी भी गन्ना विकास को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। ऐसी में मेरे साथ बात करने के लिए शुक्रिया ज्ञान जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।